तो आज है 1 जुलाई और शेल के बर्थडे में सिर्फ और सिर्फ 10 डेज बचे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। और आज जो है मौसम बहुत ही औसम हो रहा है, क्योंकि मैं कल ही अल्लाह पाक से दुआ मांग रही थी, अल्लाह पाक प्लीज अच्छा मौसम कर दो, और अल्लाह पाक ने आज देखो बारिश कर दी। बहुत ही कल तक बहुत ज्यादा दिल्ली में गर्मी हो रही थी, आज जो है सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम जो है वो बहुत ही औसम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं कल घर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि जो काम के लिए मैं आई थी वो काम हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया वो भी हो जाएगा, क्योंकि आज मैं बनाऊँ मैंगो शेक। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं मैंगो शेक। बहुत सारी गर्ल्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप जो है अपना मेकअप जो आप यूज़ करते हो आप वो बताओ। तो मेरा मेकअप कलेक्शन का मैं आपको वीडियो अपनी ज़रूर दूंगी, जो भी मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, जो भी मैं अपना प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मेकअप के, उनकी सबकी मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो सारे मैं आपको दिखा दूँगी। चलिए चलते हैं किचन में। पापा को देख सकते हैं, पापा अपने 90s की मूवीज़ देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। ये बनाते हैं मैंगो शेक, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं मैंगोज नहीं खाती, मुझे अच्छे नहीं लगते, बट हाँ मैं मैंगो शेक पी लेती हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं मैंगो शेक। ये काफी अच्छा बना है, तो आप लोग भी ट्राई करिए और पीजिए मैंगो शेक। तो मैं नीचे गली में आई हूँ, अरे पैर से नहीं कर, तो ये हमारा डोरमेट जो है इन बच्चों ने नीचे गिरा दिया था। ये जो ग्रीन वाली नहीं है जी, ग्रीन वाली हाथ लाल कर देगी, और मेरी वाली है पुरानी वाली और ये ग्रीन वाली। अच्छा, तो हम आए हैं गली वैसे गली में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक लेट नाइट हो रहा है इस वजह से। वैसे आइसक्रीम वाला होगा बाहर, जब शादी से पहले हम मैं जाती थी बच्चों के साथ आइसक्रीम लेने रात में रोज डे, अब तो हमने मैंगो शेक बना। चलो बच्चे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं रेडी क्यों हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे शेल लेने आ रहे हैं और मैं उनका जस्ट अभी वेट ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं अभी 6 और मैं शेल का वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आ जाएंगे तो मैं आप लोगों से उनको मिलवाऊंगी। आ चुके हैं, देखिए कितने स्टाइलों में आ रहे हैं इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, चेक करेंगे शीशे वगैरह फिर आएंगे। तो आप सभी ने देख सकते हैं कैसे इतराते हुए आ रहे हैं ये देखिए हमारे जलील शहर को, तो आप इन्हें देख सकते हैं और इन्हें भी देख सकते हैं। देखिए ये हमेशा मोबाइल यूज करते करते सो जाते हैं, मोबाइल हटा के नहीं सोया जाता आपसे। और ये इसे हटाओ, नीचे वाले पे लेटो आराम से, लो ये साइड में रख लो, चलो सो जाओ। देखिए ये अपने ससुराल में सोने आते हैं। मैंने मंगाए हैं जस्ट अभी गोलगप्पे मेरा, क्योंकि बहुत मन कर रहा था। और ये है हमारे इधर मिलती है ब्रेड और टिक्की होती है ये, और ये इसको ब्रेड के ऊपर लगा कर देते हैं, तो ये भी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। गोलगप्पे देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मैं जितने भी लोग मेरा व्लॉग देखेंगे उन सबके मुँह में पानी आने वाला है अभी, क्योंकि मैं रेड वाली जो ये रेड सॉस है ये मैं नहीं लगाती, मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। तो मैं अभी ये तो आप लोगों के मुंह में भी जरूर पानी आ रहा होगा आने वाली तो गोलगप्पे मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, और जिन जिन के भी गोल जो भी गोलगप्पा लवर्स होंगे उन सबके मुंह में पानी आ गया। तो ये हमारे यहाँ मिलती है ब्रेड वाली टिक्की, इसके अंदर पनीर भी होता है, और ये ब्रेड के ऊपर पूरी अंदर फील करके देते हैं टिक्की को, तो ये मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कैसी है। बहुत ही रिची है। तो ये जनाब गोलगप्पे नहीं खा रहे, इन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया, और ये भी नहीं खा रहे, इन्होंने भी खा लिया,
और बच्चे भी खा रहे हैं थोड़े थोड़े से, और पापा खा रहे हैं क्योंकि मेरे बाद पापा के ही गोलगप्पे फेवरेट हैं। तो ये लोग जा रहे हैं, बाय। जा चुके हैं और मैं अब आराम से बैठ के और खाना खाऊंगी। तो मैंने बुरखा पहन लिया और अब मैं वापस से जा रही हूँ घर, और इन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हो रहा नींदों में, नहीं इन्हें पता ही कर क्या रहे हैं। और इधर बैठे हैं पापा जो मुझे देख रहे हैं। वैसे आज पापा का येलो कुर्ता और शैल का येलो कुर्ता बिल्कुल मैच कर रहा है। चलो और अपने एक बार बाल देख लेना आरिश तुम, अरे जाओ शीशे में देख लो। मैं जा रही हूँ, ठीक है पापा, बाय। पापा इमोशनल हो रहे। हम आ चुके हैं बाहर और हमारे जलील शायर देखिए क्या कर रहे हैं। अपने आवाज नहीं आएगी ऐसे, मेरे बाल बहुत अजीब हो रहे हैं तो मैं इनको जल्दी ठीक करवाऊंगा। ओके और ये देख सकते हैं आप नींदों में, मेरी एनर्जी डाउन होती जा रही है। और ये मैडम बोल रही है कि आप व्लॉग में कुछ नहीं बोलते हो, क्या बात है ऐसी, तुम मुझसे नाराज हो क्या कि तुम मेरे के व्लॉग में आजकल तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं नाराज नहीं हूँ, मेरी एनर्जी जो है ना थोड़ी सी वीक हो रही है और थोड़ा सा जो है ना माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, पर ऐसी कोई बात नहीं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीजें अच्छी है। कि मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूँ पूरा, इंशाल्लाह कल से एक्टिव मिलूंगा सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि गाइज आप लोग जितना प्यार दिखा रहे थे पहले, अब तुम वो प्यार नहीं दिखा रहे हो, और आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो भी कम हो चुके हैं, व्यूज थे वो भी कम हो चुके हैं, लाइक्स थे वो भी कम हो चुके हैं। तो ऐसा आपको क्या नहीं पसंद आ रहा जो कि आप व्लॉग को नहीं इतना प्यार दे रहे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्टिव रहो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट की वजह से हम पर डे व्लॉग बनाते हैं। और अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा व्लॉग बनाने का जो इंटरेस्ट होगा ना वो फिर हमें हम वीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक सामने से आप लोग एक वो कहते हैं ना हमें मोटिवेट नहीं करोगे, मोटिवेट हाँ, तो हम भी डिमोटिवेट होने लगेंगे। जैसे कि कल मैं डिमोटिवेट हुआ व्लॉग देख के इतने कम व्यूज थे। तो प्लीज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे व्लॉग को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि कुछ और भी लोग हमसे जुड़े। ठीक है, तो मैं और बाकी सब चीज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। और कल से हम आपको बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग व्लॉग देने वाले हैं, तो आप इस बात से बेफिक्र रहें और कल से आपको बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज है 1 जुलाई और शैल के बर्थडे में सिर्फ और सिर्फ 10 डेज बचे हैं, तो इनकी खुशी देख सकते हैं आप कैसे खुश हो रहे हैं ये, और इन्हें देखिए। ओ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं कंफ्यूज भी हूँ शादी के बाद मेरा और शैल, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे है शैल का और मेरा, तो आई मीन शैल का बर्थडे है मेरे साथ फर्स्ट शादी के बाद। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे कुछ एडवाइस दीजिए कमेंट में और मुझे कुछ अच्छा सा टॉपिक बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से ज्यादा अच्छी एडवाइस मुझे कोई नहीं देगा, तो प्लीज आप लोग मुझे एडवाइस दीजिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो हम आ चुके हैं हमारे एरिया में और ये जो हमारे जलील शायर है उन्हें छोड़ने जा रहे हैं हम उनके घर, और उसके बाद हम घर जाएंगे। आज हम अपने मतलब मैं अपने घर जा रहा हूँ और ये लोग अपने घर जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद आई हैं, दोबारा से चली गई थी दोबारा फिर आई हैं, इनको लेकर आए हम और अभी अपने घर जा रहे हैं। छुट्टी बैठे तीन चार महीने, अब इनकी 3-4 महीने की बिल्कुल छुट्टी, इनको जाने नहीं देना। ये ब्लॉग नहीं बनाती है वहाँ जाके, पता है गाइस ब्लॉग बहुत कम डालती है, काम काम पे ध्यान नहीं होता, माँ बहुत जाती है मस्त मलंग। तो हमारे जलील शायर जा रहे हैं, बाय बाय। तो हमने हमारे जलील शायर को छोड़ दिया उनके घर पे, वो कल आएंगे सुबह के टाइम और उसके बाद उनकी शायरी लेंगे, क्योंकि मैंने आरिश से भी बोला है कि सब लोग आपको मिस कर रहे हैं। और गाइस ये बताइए, और गाइस प्लीज कमेंट्स में ये बताइए कि आप व्लॉग कौन से टाइम चाहते हैं, आप जो जिसकी जिसके कमेंट्स सबसे ज्यादा सेम होंगे हम उसी टाइम पे व्लॉग अपलोड करेंगे। हम आपके सामने टाइम दे रहे हैं सुबह 12 बजे, शाम के 5 बजे
और रात के 8 बजे, इन तीनों में से मैं अगेन बोलता हूँ, सुबह के 12 बजे, शाम के 5 बजे और रात के 8 बजे, इन तीनों में से जिन जिन के भी सेम सेम कमेंट होंगे, हम उसी टाइम पे व्लॉग अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 8 बजे एक्टिव होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 8 बजे एक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसे ही सेम जो तीन टाइम बताया मैंने तुम्हें, उनमें भी ऐसे ही होता है, बहुत से लोग एक्टिव होते नहीं होते। तो प्लीज आप लोग बताएं कि किस टाइम पे आपको व्लॉग चाहिए। तो मैं घर आ चुकी हूँ और शेल जो है वो गए हैं पार्किंग। फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, मैडम भी आ गई हैं घर पे, इधर बैठी हुई है बाजी और इधर खड़े हैं हमारी इरम बाजी के बच्चे। मरियम हाय करो, हाय, अलीफा हाय करो। और ये देखिए, ये हैं इनके इन खूबसूरत के बच्चे, माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह कितनी मोटी है, वाह क्या मुस्कुराहट है। इधर बैठे हैं मिस्टर डैनी, बाजी का नाम है इरम खानम और इनका नाम है नौरीन खानम। बाजी से छोटी हैं, इरम बाजी से छोटी, उनका नाम उजमा, फिर उनसे छोटी का नौरीन, फिर उससे छोटी का कहकशा, फिर उससे छोटा मैं, और फिर उसके बाद आते हैं सबसे छोटे डैनी की छोटी पप्पा के लौंडे अब्दुल नईम खान। ये वाह, देख तो ले, इधर को हेलो कर दो, हेलो कर दो हमारी फैमिली को, हेलो तो हेलो कर दिया हमारे पापा ने। पापा बस आ रही होगी, बस आ रही है, 7:30 बजे आए, चलो 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 चढ़ा दिया बस में, सब कुछ चढ़ा दिया। अबे ये लगा, अबे उड़ रहा है, अभी सामान लेके, वो वाला सामान लेके, और सामान लेने के बाद अब उससे, और सबसे ज्यादा इनकी कंडक्टरों से लड़ाई होती थी, इनसे कंडक्टरों से लड़ते थे बिना बात के सबसे ज्यादा। और फिर उसके बाद दिल्ली उतर गए, मोहन नगर जैसे उतार दिया, या हमें शहीद नगर उतार दिया है, शहीद नगर उतरे, उतरे उतरे और खूब आ गए। और बेचारी अम्मी इतना परेशान होती थी, अम्मी मैं तो यूं सोचती हूँ कि पापा पता नहीं क्या क्या सोचती होंगी तुम्हारे बारे में, जैसे अम्मी को तुमने पागल खेच बनाया इधर से उधर, यूं सोचती थी अम्मी कि अल्लाह मुझे थोड़ी बहुत भी ताकत दे देता तो तुम्हें कोलिया में भर लेती हूँ अपनी, बहुत सीधी थी। हाँ बहुत सीधी। एक दिन क्या हुआ, उसको कुछ समझ में ना, वो कह रहा हो क्या, वो सोचिए हो क्या रहा है। एक दिन क्या हुआ, अब पापा अम्मी को लेके शहीद नगर से आ रहे हैं, आप लोग भी सुने, तो पापा शहीद नगर से अम्मी को लेके आ रहे, अम्मी उतनी कुछ सामान लेने के लिए रास्ते में, ठीक सामान लेके उतनी, तो अम्मी आ गई, पापा ने बोला जब उन बैठ गई, पापा को ऐसा लगा बैठ गए, पापा आ गए 5 किलोमीटर आके अम्मी वहीं खड़ी, मैं छोड़ गया रास्ते में और बात करते हुए आ रही हूँ कि जेबुन की आवाज नहीं आ रही, देखा तो जेबुन है ही नहीं पीछे, आपके बच्चे तो पीछे रह गए। तो मैं रूम में आ चुकी हूँ और अभी मैं देख रही हूँ कि 2 दिन में इन्होंने रूम की हालत इतनी गंदी कर दी, उन्होंने पूरा रूम गंदा कर दिया है, जिसकी मुझे क्लीनिंग करनी होगी कल सुबह उठते ही। मुझे ये काम क्लीन करती नहीं है, तुम रूम क्लीन करोगी, आई बस समझ। मैं अपना गाइस आपको पता है कि मैं अपना फेस इसकी बात चलेगी नहीं, कट कर दो, आप लोगों को पता है कि मैं कितना अच्छा से अपना फेस अपनी केयर करती हूं, जबरदस्ती क्यों करवा रही हूं उनसे, क्या आप लोगों को पता, आप लोग क्या बता उनको बिना बात के, अपनी अपनी मेरी बिल्ली मैडम यूं, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने रूम गंदा कर दिया है और अभी मुझे क्लीन करना पड़ेगा रूम, क्योंकि ये मेरा हमेशा काम बढ़ा देते हैं, मैं एक दिन के लिए जाती हूँ ये पूरा रूम गंदा कर देते हैं। मैं अभी बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी ना, तो दिखा आप... तू बैक कैमरे से आज दिखाई दे, दिखा आज बैक कैमरे से दिखा कौन सा गंदा रूम, बेइज्जती हो जाएगी ना यहीं कट कर दे चीओड़े। शेल तो जनता आपसे सवाल चाहती है। हाँ, क्या सवाल? कि आप अपनी बॉडी क्यों नहीं बना रहे? शेल बना लो, आप केजीएफ के छोटे भाई, इंशाल्लाह बॉडी बनाऊंगा बहुत जल्दी, मगर बनाऊंगा कब, जब मेरा जो मेंटली मुझे डिस्टर्बिंग है वो खत्म हो जाएगी। कोई इंसान जब करता है ना तो वो उसका माइंड फ्रेश होना चाहिए, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई यानी आपको स्ट्रेस डिप्रेशन मेंटली डिस्टर्ब बहुत सारी चीजें इंसान की लाइफ में होती, जरूरी नहीं है कि इसी चीज की वजह से होती है। और ये बेडशीट टीमने चेंज की थी, बाजी ने करी है, नहीं बाजी ने डाली थी, मैंने तो दबी उसके बेड के नीचे, यानी आपने आज बेडशीट चेंज की थी, ओ वाओ, मान जाओ यार मुझे मत। तो मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए इसको लेकर, और शैल पता नहीं क्यों इससे चिढ़ते हैं, पता नहीं क्यों शैल इससे चिढ़ते हैं, मुझे नहीं पता इसका रीजन, आप देखिए इसको देखते ही आपको इससे प्यार हो जाएगा, ये कितनी क्यूट है। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मिलते हैं आपसे सुबह के टाइम, तो जब तक के लिए बाय। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि आप मुझे जानते हैं मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूँ पूरा, तो मैं आ चुका हूँ किचन के अंदर
अंडा बनाने की और ये मैडम भी खड़ी हुई हैं किचन के अंदर। तो चलिए हम बनाते हैं अपना अंडा, अपना नहीं मतलब बाहर से मंगाया हुआ अंडा। तो चलिए तो इसको करते हैं यहीं पर ही कट। तो आप देख सकते हैं ये कैसे अंडा बना रहे हैं। तो ये हमारा हाफ बॉइल तैयार हो चुका है, इतना टाइम नहीं लगता, इतना टाइम लड़कियां लगाती हैं। फिर इसके ऊपर हल्का सा ये मसाला डालेंगे इस तरीके से। और ये लीजिए रुशना का एग हो गया है तैयार। ये आपने मेरे लिए बनाया? यस। और अपने लिए? मैं नहीं खा रहा, खाओ जाओ, हो गया तैयार। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब बारी है घर क्लीनिंग की, तो चलिए चलते हैं क्लीनिंग करते हैं। तो आज हमारी जो बड़ी वाली भाजी है और छोटी वाली जो भाजी है वो गई हुई है। तो आज के जो चावल है वो बना रहा हूँ मैं और रूशि। तो चलिए चलते हैं किचन के अंदर। तो चलिए चलते हैं किचन के अंदर, इसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, ये है पागल लड़की। ये हमारे काम वाली, घर की काम वाली, इधर शक्ल दिखाइए। वाह वेरी गुड, सही से लगाना, 100 रुपए रोज मिलेंगे तुम्हें। सही है, सही से लगाओ झाड़ू, सही से, यहाँ ऐसे नहीं, इधर को लगाओ झाड़ू, झाड़ू उधर को लगाओ। काम वाली रख लिए 100 रुपए पर डे के हिसाब से। और जो हमारे घर के नौकर हैं, ये देखिए ये हमारे बेड पे सोते हैं, शर्म हया नहीं है। देखिए ये सिर्फ यहाँ पर सोने के लिए आते हैं भाई साहब। तैयारी हो चुकी है, सारी चीजें कट रही हैं। चश्मा तुम क्यों उतारती हो, मतलब अपना दिखाना नहीं चाहती कि तुम चश्मा लगाती हो? जो कितने सारे बर्तन धोए इसने अभी। आते ही बेचारी काम में लग चुकी है और मुझे भूख ऐसी लग रही है, मैं कैसी बताऊं तुम्हें कैसी भूख लग रही है। बनने वाला है थोड़ी देर, खराब पसीना आ रहा है। जो चावल बना रहे हैं आपके सामने वो सेम बिरयानी तो नहीं होती, बिरयानी से अलग होता है, हमारे खुद के राइस है। हाँ। हम इसको एक नया नाम देंगे। हमने अभी तेल के अंदर डाल दिया है प्याज, मिर्च और तुम्हारा क्या कहते हैं टमाटर, और हमने गरम मसाला बना लिया था जिसके अंदर था जीरा, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। ठीक है, ये हमने सब डाल दिया है। बाकी हमने जो है मसाला तैयार कर लिया है, एक ये मसाला तैयार किया है हमने और एक ये मसाला तैयार किया, ये दो मसाले तैयार किए हैं। जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं मटन, जो हमने पहले से नमक और लहसुन डाल के बॉईल कर लिया था, आप देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हम डाल रहे हैं मटन, इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पीसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। ये हमने थोड़ा सा मसाला लिया यार, बिरयानी का मसाला जो कि हमने ये खुद बनाया है, और इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया जी। इसके अंदर इसकी जो इसका जो मसाले का एक ब्लॉग है वो हम अलग बनाएंगे, फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही डाल रहे हैं। हम इसके अंदर डाल रहे हैं 100 ग्राम दही। ये जो राइस है ये मैं ही बना रही हूँ, बट ये सारा क्रेडिट खुद लेकर जाएंगे। और अभी ये जो है सारे मसाले वसाले मैंने इनको बना कर दिया था, तो ये डालकर चलेगा और अब क्रेडिट लेंगी कि मैंने बनाया। तो मेरी बात का बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये क्या है। कैसे मजे से सो रहा है हमारा, देखिए नींद हो। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे राइस। हमने इसके अंदर डाल दिए राइस, अब हमने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया है, पानी भी डाल दिया, राइस भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। ये जो है ये स्टीम के लिए रखते हैं, देखिए ये स्टीम हो रहे हैं अभी, और इंजन आपको देखकर आते हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। कैसे ये, अभी मैंने रूम क्लीन करा था और कैसे ये दोनों सो रहे हैं। मेरी बेचारी बिनी को देखिए कहाँ पे इन्होंने डाल दिया। उठ गए, इन्हें भी उठाओ, हर जैद उठाओ। अयो ऐसे नहीं, आराम से रहो। वो कितने भी होश सो रहे हैं। बहुत आरिश खाना, आरिश भाई खाना। मैं इतने भी होश में ना दो थप्पड़ मार दूँ, महसूस नहीं। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो सपनों की दुनिया में था। मैं कुत्ता को
शुरू हो गए तो उठते तुम इन्हें देखो नई शैल खाना ये खा पे। तो गाइस क्या दोनों मियां बीवी ने अजाब बनाया है, मिलके देखते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, पता पापा कैसे हो रहे हैं। पापा मास्टर ने लेट लगा के मैं ट्राई करता हूँ कैसे हो रहे हैं। इन्होंने आखिर ऐसा क्या बनाया है जो इतनी मेहनत कर दी कि मैं सो गया। कितनी देर में पके हैं? करीबन 2 घंटे सो गया। मात्र 3 घंटे बताओ। हाँ तो मैं भी ऐसे सोया 2 घंटे से। हम सब बैठ चुके हैं खाने के लिए और अब हम खा रहे हैं और हमारे जैद भाई जो हैं वो नहीं खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले खाना खाया। अच्छे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा लंच हो चुका है और जो जनाब हैं वो गए हुए हैं बाहर काम से और उनके साथ गए हुए हैं जलील शायर। तो ये लोग आएंगे पता नहीं शाम तक या रात तक, तो जब तक तो मैं व्लॉग अपलोड कर चुकी होंगी। तो वैसे मुझे बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो उन सबके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ लास्ट में। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा शैल के बर्थडे की प्लानिंग कैसी करनी है, तो आप लोग मुझे प्लीज एडवाइस दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज।